ऑफर्स आए हैं और मैं अभी नहीं करना चाहूंगी। मैं वैसे ही बहुत इंट्रोवर्ट हूँ और उस पर फिर मैं बिग बॉस में जाके, मुझसे तो गप्पे भी नहीं मारते बनेंगी, मैं बातें भी नहीं कर पाऊंगी। आई एम लाइक जीरो कंटेंट पर्सन। हाँ, वहां पे मसाला, गॉसिप, फाइट एंड फाइट बैक, और मैं ऐसी हूँ, नारायण नारायण, शांति शांति शांति। कि मैं ऑन स्क्रीन भी कॉप प्ले करूं और जो बचपन में सीखा था वो सब कुछ पेश करूं लोगों के सामने। हम शायद एक आध साल और लगाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बेबी से पहले कुछ चीजें करने के हमारे अरमान थे और अभी कोविड ने वो सारे हमारे अरमानों में पानी फेर दिया है। मैंने सोचा एक दिन कि क्यों यार, मैं गा भी तो सकती हूँ, तो मे बी समडे यू मे फाइंड मी सिंगिंग, हु ओ, नोज। ऐसा तीर छोड़ा है दूर का, आपने पकड़ लिया, होगा कि नहीं पता वेरी नहीं। गुड, बहुत अच्छा रहेगा। सो फाइनली बहुत दिनों के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका दिव्यांग का फीफा कुछ थैंक टीवी पे। तो यू, इट्स अ सबसे प्लेजर फाइनली आपके साथ कनेक्ट हो रहा है कितने टाइम के बाद में। इट्स अ प्लेजर, एब्सोल्युटली। पहला क्वेश्चन तो यही है अभी के टाइम में कि कैसे हैं आप, और साथ ही साथ विवेक से सब कैसे हैं। ऑल इज गुड, विव बिल्कुल ठीक है। वापस से हम लोग लॉकडाउन की सिचुएशन में है मुंबई में, सो अपनी स्पिरिट्स को हाई रखने की सब कोशिश कर रहे हैं जैसे तैसे, बट इट इज अ टास्क, लेकिन कर रहे हैं मैनेज। अच्छा, एक लॉकडाउन से तो लोग बाहर निकले थे, जैसे तैसे मैनेज करके काम शुरू हुआ था, सब चीजें चालू हुई थी प्रियंका। अब वापस से फिर सेकेंड लॉकडाउन की बारी, क्योंकि महाराष्ट्र में केसेस बढ़ गए कोरोना के, आपको पता होगा इसके बारे में। सो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि वापस से लॉकडाउन लगने की तैयारी है। इट विल बी टेरेबल, हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा खराब होगा, बिकॉज लास्ट लॉकडाउन में वैसे ही सारे के सारे बिजनेसेस क्रिपल हो गए थे। न जाने कितने लोगों को अपनी अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी, कितने ऑफिसेस शट हुए हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉय हुए हैं, और अब जाके अगर, एंड फिर कई लोग तो लौट कर अपने अपने गाँव चले गए थे, वो लोग जैसे तैसे वापस आए हैं पैसा जुटाकर, और अगर अब दोबारा लॉकडाउन हो गया और लोगों को महीने भर भी सही अगर अपने घरों में बैठना पड़ा, खैर लॉकडाउन का पता नहीं होता कि महीने चलेगा या उससे ज्यादा, पर अगर घर पे बैठना पड़ा तो बहुत मुश्किल होगा इकोनॉमी के लिए संभल पाना। गरीब और ज्यादा गरीब होते जाएंगे, और हम हमारे देश के लिए ऐसी स्थिति चाहते नहीं है। हाँ, सेफ रहना इम्पोर्टेंट है कोविड टाइम्स में, मास्क पहनना जरूरी है, एहतियात बरतना जरूरी है, लेकिन जिंदा रहने के लिए पैसा और खाना भी जरूरी होता है। सो आई होप वो पैसे का एग्जैक्टली। इंतजाम बन। अच्छा, साथ ही साथ वैक्सीनेशन भी आ गए, वैक्सीन भी आ गए, लोग लगाना भी शुरू कर दिया है, तो आपका क्या इस पे टेक है, कि आपने लगाया या फिर आप भी प्लानिंग में है लगाने के? आई वुड रियली लाइक टू, लेकिन अभी तक क्योंकि 45 ईयर ओल्ड या ब्रैकेट में लग रहा है ये वैक्सीन, तो मेरे मम्मी पापा ने लगवा लिया है, मेरे फादर इन लॉ जो चंडीगढ़ में है उन्होंने लगवा लिया है, तो ये एक ब्रैकेट तक तो हो गया था, लेकिन प्राइवेटली भी अभी कहीं पे भी हमारी एज ग्रुप के लिए आई थिंक मिल नहीं रहा है वैक्सीन, बट जितना जल्दी हो, जितने ज़्यादा लोगों को लगे, बिकॉज मैं तो चाहती हूँ मेरे स्टाफ जो हैं, जो लोग मेरे साथ काम करते थे या करते हैं, उनको तुरंत वैक्सीन लगे, बिकॉज वो लोग सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं ऐसे कंडीशंस के लिए, लेकिन उन्हें ये बोला जाता है कि वैक्सीन है ही नहीं, जबकि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस जो मैंने पढ़ी थी उसमें ये था कि जो शॉपकीपर्स हैं वो लोग अब जल्दी से जल्दी लगवा ले वैक्सीन, पर वो कैसे लगवाएंगे जब प्रोवाइड ही नहीं हो रहा, ओके तो सो इट इज अ टास्क। एंड आई थिंक एक और है कि ना, कम्युनिकेशन में जरूर गैप है, वो फुलफिल एग्जैक्टली। होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग कोविड का वैक्सीन ले रहे हैं, मैं इस बारे में जरूर जिक्र करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पता नहीं क्यों डॉक्टर्स तो कहाँ कंपाउंडर्स हैं जो कि इंजेक्शन लगाते हैं आमतौर पे, या हेल्थ वर्कर्स हैं, एंड वो लोग ये इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं कि सून आफ्टर कोविड का इंजेक्शन आपको रेस्ट लेना है 2 दिन का, 2 से 3 दिन या आपको जाके बाहर वर्कआउट नहीं करना है, हैवी एक्सरसाइज, ड्यूटी, हाँ
जी ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर असल में कोविड के वायरस ही, जो कि थोड़ी सुप्त अवस्था में है, कम मात्रा में, पर वही कोविड के वायरस आपके अंदर डाले जा रहे हैं, तो आपकी बॉडी उससे लड़ने के लिए अपनी एनर्जी लगाएगी। अब अगर आप उसमें वर्कआउट भी कर लेंगे, तो अब वो वर्कआउट से आपकी रिकवरी के लिए भी एनर्जी लगाएगी, और इसमें भी तो कहीं ना कहीं कोविड का वायरस आप पे अटैक करेगा और आपको वायरल फीवर आएगा। और बहुत लोगों को वायरल फीवर हो रहा है उसके बाद में। मेरे मम्मी पापा को भी नहीं बताया था डॉक्टर ने, और हम लोग कह रहे थे आप रेस्ट करो रेस्ट करो, कहते नहीं हमसे किसी ने नहीं बोला, अरे हमें कुछ नहीं होता। एंड उसके बाद दोनों को वायरल फीवर आया है। सो आई थिंक जो मैंने कहा, प्रॉपर इंफॉर्मेशन का फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हमारे जैसे बड़े देश में। आपको भी काफी नॉलेज, मतलब आपने जितनी बात की अभी शायद नॉलेज से ही इतनी चीजें, क्योंकि इतने सब लोग नहीं जानते इतनी बातें। जी अब एक्टर होने के नाते कई बातें हम तक खुद पहुंचती हैं, लोग हमें बताते हैं, ओके फिर थोड़ा मुझे मुझे और विवेक को, हम दोनों को वो इंक्विजिटिवनेस है जानने का कि क्या हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, और लैब्स कहाँ पे है। वी फील रिस्पॉन्सिबल, तो हमारे पास तक अगर कभी हमारे कोई फैंस भी अगर मैसेज भेजते हैं, हमसे बातचीत करते हैं, तो हम उन्हें भी एहतियात बरतने के लिए बताते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। सो नॉलेज बटोर के रखना पड़ता है। ऑफ Which is good. हमेशा काम आती है नॉलेज। कोर्स। अच्छा, इस पैंडेमिक में अगर बात करें, तो आपने शूट भी किया, क्राइम पेट्रोल होस्ट किया था आपने, ठीक है? सो वो सिचुएशन कैसा था, पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था, कितना डिफिकल्ट था, क्या कुछ प्रिकॉशन दिया था आपने वगैरह? असल में बहुत डिफिकल्ट नहीं था, क्योंकि थैंकफुली मेरा इंटरेक्शन, फिजिकल इंटरेक्शन जो था वो बहुत बहुत ही मिनिमल था। इट वाज जस्ट माय मेकअप एंड हेयर टीम, या फिर मेरे असिस्टेंट जो कि मेरे सबसे करीब थे उस समय, और वो लोग प्रॉपरली अपने आप को सैनिटाइज कर रहे थे, एहतियात बरत रहे थे। और जहाँ तक कि बाकी की टीम है, तो वहाँ पे कोविड इंस्पेक्टर होते थे डेली बेसिस पे, जो कि चैनल के तरफ से आते थे, एंड वो पूरा ख्याल रख रहे थे, सब मास्क पहन के रहते थे सेट पे। सो इट वाज अ वेरी सेफ सेट, बहुत लिमिटेड लोग थे सेट पे, तो इन्फेक्शन का कोई डर नहीं था। बट आई डोंट नो हाउ डू दे मैनेज, जबकि सेट बहुत बड़े होते हैं, मल्टीपल एक्टर्स होते हैं, एंड स्पेशली जब कभी कोई इंटीमेट सीन हो, केमिस्ट्री वाला सीन हो, मस्ट बी रियली डिफिकल्ट ऐसे सिचुएशन में हैंडल कर पाना। अभी तो फिलहाल अभी कटिंग भी कर रहा, मतलब यूनिट कम से कम रखा जा रहा है। अभी बीच में मैं भी गया था सेट्स पे, तो वो यूनिट जैसे लाइट में अगर 5 लोग हैं तो वो 2 लोगों से ही कर रहे हैं, तो बहुत हाँ जगह भी ये सब चीजें, और टेस्ट हो रहा है, ये अच्छी बात है। सेट्स ट्वाइस इन अ वीक या वंस इन अ वीक एक्टर्स के टेस्ट शुरू हो गए कल, ये प्रोडक्शन कर रहे हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। इट्स इम्पोर्टेंट फॉर अच्छा सेफ्टी, एक आध किसी को भी हो तो एटलीस्ट बाकी लोग सेफ हो जाएंगे। हाँ, सो मैं बोल रहा था कि जब आपने स्टार्ट किया था फिर उस टाइम से, अगर शोज की बात करें तो शोज की जो ड्यूरेशन थी लाइफ लॉन्ग, वो बहुत लंबा, लोग उसको एक्सेप्ट करते थे, लंबे तक चलते थे, ठीक है? और उसका एक लाइफ एग्जाम्पल था ये मोहब्बतें, जो कई साल चला। लेकिन अभी चीजें बदल गई है दिव्यांग, लाइक 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने मैक्सिमम शोज बंद हो जाते आने के बाद। सो आप एक्सपर्ट रहे हैं, आपको बहुत नॉलेज है इस चीज के बारे में, सो आपसे जानना चाहूंगा क्या रीजन है ऐसा, क्या एक लूप होल है कि जिसकी वजह से चीजें आती है और जाती है, कनेक्ट नहीं हो पाती है, होल्ड नहीं रह पाता उसमें। देखिए कंटेंट बाप है, और क्या हो जाता है कि कहीं ना मेकर्स थोड़ा डर के शोज बनाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कॉम्प्रोमाइज्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, क्योंकि कॉम्प्रोमाइज भी क्यों, क्योंकि जो हिट फॉर्मूलाज रह चुके हैं वो उसी पे दोबारा दोबारा शोज बनाते हैं, वही पुराने फॉर्मूलाज को लेके। और अगर इनफैक्ट जो एक बार लिख चुके होते हैं कॉन्सेप्ट, शो चल रहा होता है, चलते दौरान कई बार उन्हें लगता है कि अरे टीआरपी कम हो रही है या हो जाएगी, और कहीं ना कहीं हायर ब्रैकेट से मिड ब्रैकेट तक लोग कहानियों को हिलाने लगते हैं। किसी भी शो को बिल्डअप होने में थोड़ा वक्त लगता है, और ऑडियंस को भी वो समझ में आने में, कैरेक्टर स्केचेस, उनके साथ जुड़ाव में लगता है। कभी कोई एपिसोड वर्क करेगा, कभी नहीं करेगा, लेकिन वो खूबसूरती के साथ पहले से लिख कर और उसको ड्रामेटाइज किया जाए, उसको शूट किया जाए, तो ज़्यादा बेहतर होता है, बजाय इसके कि आप चलते शो में, चलती गाड़ी में
बीच में आप अपने ट्रैक को बदल दो, लोगों को सडनली मारो या सडनली जिंदा कर दो, या मैं बहुत एक्सट्रीम बोल रही हूँ लेकिन हाँ, देर आर सडन डिसीजंस दैट आर टेकन ऑन टीवी टीवी एंड वहां पे जाके ट्रैक्स मात खा जाते हैं. कभी कभार ठीक है कि हाँ कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कोई आर्टिस्ट बीमार है तो आपको करना पड़ता है, पर अगर हम बाकी के भी कंटेंट जो कि अभी हम वेब सीरीज देख रहे हैं, डिजिटल कंटेंट है, उसमें भी आप देखेंगे कि 3 एपिसोड से 4 एपिसोड तो आपका वो बिल्डअप होने में, कैरेक्टराइजेशन समझने में में, हाँ लोगों को समझने में, स्टोरी समझने में ही निकल जाता है. असल में जो ग्रिप है वो 3रे 4थे एपिसोड के बाद बनती है, लेकिन अगर हमारे टीवी शोज के साथ ऐसा हो तो तब तक में तो लोग डर जाएंगे और ट्रैक बदल देंगे. होता है। अच्छा टीवी के बात करें तो यू आर मास्टर ब्लास्टर, नो डाउट, ठीक है। बहुत लंबी लंबी इनिंग्स खेली है आपने, ठीक है। रियलिटी शोज भी किया, उसके बाद ओटीटी पे भी आपने एक छाप छोड़ी अपनी। तो बड़े पर्दे का क्या इरादा है आपका, बड़े पर्दे पर? अच्छा मैं बड़ी होमली हो रखी हूँ ना, अभी एकदम कंफर्टेबल हूँ घर पे. आई एम सॉरी, नहीं, सवाल अच्छा, बहुत पूछ रहे कम हो, देख रहे, बना रही बहुत हूँ कम गुड फॉर क्या? अस, बहुत कम मिलता है, बहुत कम मिलता है कि ऐसे नेचुरली है, गुड फॉर अस। पहले हुए हम कि हम तो घर पे, हम बीच में चोटी बनाएंगे. तो वेरी आप गुड, पूछ रहे थे कि लंबी पारी खेली लाइक है. टीम। हाँ, आपने रियलिटी शोज भी किए, ओटीटी पे भी आपने अपना पैर जमा लिया, आपने अच्छा छोड़ दिया अच्छी। लेकिन हम बड़े पर्दे की क्या, कुछ बड़े पर्दे का कुछ प्लानिंग है? क्योंकि सब, हर कोई चाहता है कि बिग स्क्रीन 70 mm पे आए। आई वुड रियली लाइक दैट, लेकिन अभी तक अकीब ऐसे कोई भी बहुत अच्छे कैरेक्टर्स, स्केचेस, बहुत अच्छी कहानियां नहीं मिली हैं. आते हैं ऑफर पर दिल को नहीं छूते, और मैं उनमें से नहीं हूँ कि बस फिल्म करने के लिए करना है या फिर बस एक टैग चाहिए, ठप्पा चाहिए. इसीलिए मैं ठीक हूँ, अगर मैं छोटे तालाब में भी बड़ी मछली हूँ तो चलेगा, लेकिन काम अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट होना चाहिए, कैरेक्टर में ऐसा दम होना चाहिए कि उसको करके ना सुकून आए. एक जैसे आप जब इंटरव्यूज लेते हैं, आप किसी का अच्छा इंटरव्यू लेते होगे तो आपको आपके दिल को सुकून मिलता होगा, रात को अच्छी नींद आती होगी ना. आ सो जाएगी, आ जाएगी। सो वैसे ही मेरे साथ होता है कि एक्टिंग करते हैं जब तो वो दिल को अच्छा लगना चाहिए. मोहब्बतें में वो था, मुझे मोहब्बतें में भले ही वो शो 6 साल चला है, लेकिन उन लोग ने शुरू के 5 साल तो कम से कम बहुत अच्छी कहानी लिखी है और वो करने में मजा आता था. वैसे ही वो कोल्ड हार्ट सर्जरी, कनेक्टिविटी जी, और ग्रिपिंग थी मतलब स्टोरी, और हर बार कुछ अलग करने को मिलता था, चैलेंजेस थे. वहीं अगर हम कोल्ड लस्सी और चिकन मसाला की भी बात करें वेब सीरीज, तो उसमें मुझे बहुत अलग हटके कैरेक्टर करने का मौका मिला है. वाज प्लेइंग अ शेफ, मैंने काफी कुछ सीखा, मुझे कुकिंग नहीं आती है तो मेरे लिए अपने आप में वो चैलेंज था. फिर कुछ स्टैंड अप कॉमेडी के सीन थे, इट वाज फन. तो वही बात है कि सुकून मिलता था. अब जब तक सुकून वाला काम आएगा नहीं, मैं कर नहीं पाऊंगी, तो आई एम एक्चुअली वेटिंग फॉर इट. अच्छा लॉकडाउन के टाइम भी हमने देखा कि आप लोग वीडियो बनाते, कुकिंग बहुत, आप और विवेक सर के बीच में कुकिंग आप लोगों ने बहुत की है। सो हाउ वाज दैट टाइम, अगर थोड़ा सा अपने फैंस, हमारे सबके साथ शेयर करें। सो वो मोमेंट कैसा था, किसी के साथ में बहुत टाइम मिला स्पेंड करने के लिए, क्योंकि शूटिंग होता था तो। मेरे ख्याल से मैं कुकिंग एंड बेकिंग सिर्फ लॉकडाउन टू लॉकडाउन करती हूँ. पिछले साल किया था, फिर लॉकडाउन खत्म हुआ, फिर मैंने बंद कर दिया. अभी फिर से लॉकडाउन हुआ है, मैंने फिर से बेकिंग शुरू की है. सो वो गॉड, ये कहीं लॉकडाउन एक्टिविटी ना बन जाए मेरी जिंदगी की. पता चला इतने मेरे मेरे पति को दोबारा से कभी केक खाना है तो बोले यार भगवान लॉकडाउन हो जाए. सो कुछ सिखाया एक दूसरे, हाँ जी, एक दूसरे को कुछ सिखाया आप लोगों ने कुछ, एनी रेसिपी? नहीं, नॉट रियली. ये स्मूदीज बहुत अच्छी बना लेते हैं वैसे विवेक, लेकिन जब वो अच्छी बना ही लेते तो फिर मेरे को क्या सीखना. और जब मैं केक अच्छा बेक कर ही लेती हूँ और कुछ एक छोटी मोटी डिशेस अच्छी बना लेती हूँ तो फिर वो क्या सीखे. तो हम बस बना के एक दूसरे को खुश कर देते हैं, सीखना क्या है अभी. अच्छा ऑर्डर किसका चलता है, सच बता रहे कि हाँ, जी अच्छा तुम ये बना लो, या फिर ऑर्डर 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 कौन देता है, आप या विवेक सर, या कोई रिक्वेस्ट होता है?
प्यार कोई से वैसा ऑर्डर नहीं नहीं होगा। होता, कोई रिक्वेस्ट नहीं है, जिसको मर्जी होती है वो बना लेता है। नहीं तो हाँ, हमारे यहाँ मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑर्डरिंग वाला तो है ही नहीं सिस्टम। हाँ, अगर मैंने बनाया कभी, जैसे मैं लग गई कि अरे कहीं जाना है या कुछ किसी फ्रेंड से मिलना है, तो एक बार ये हुआ भी कि मैं बेकिंग में लग गई, मुझे इस बात पे डांट पड़ी कि तुम बेकिंग क्यों कर रही हो, क्या जरूरत है, तुम मेहनत क्यों कर रही हो, देखो दिल के सुकून के लिए, पर तुमको क्या जरूरत है। तो ही डजंट एक्चुअली लाइक इट अगर मैं स्लॉग करती हूँ या मैं ओवर ओके मेहनत करने लगूँ, तो ही डजंट रियली प्रेशराइज मी विथ एनीथिंग। सो सुकून में हूँ मैं, और मुझे वैसे ही कुकिंग ज्यादा पसंद नहीं है, उनकी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो रास्ते मतलब हमारी जो गाड़ी है सही पटरी पे चल रही है साथ में। थैंक गुड गुड है जो अच्छा है ऐसी चले। अच्छा यू। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपने जैसे रियलिटी शो किया था, सबको पता है ठीक है, उसके बाद अभी के टाइम का जो सबसे बड़ा रियलिटी शो है दैट इज बिग बॉस। तो बिग बॉस से कुछ ऑफर आए हैं, आई नो कि आप रिजर्व हो, इतना खोल करके आप नई चीजों को ये करती हो, बट स्टिल आप बिग बॉस करना चाहेंगे या फिर ऑफर आए बिग बॉस से? ऑफर्स आए हैं और मैं अभी नहीं करना चाहूंगी। मैं वैसे ही बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, और उस पर फिर मैं बिग बॉस में जाके मुझसे तो गप्पे भी नहीं मारते बनेंगी, मैं बातें भी नहीं कर पाऊंगी। आई एम लाइक जीरो कंटेंट पर्सन, आई विल बी क्वाइट अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर मेनी पीपल। सो आई डोंट थिंक आई एम द राइट चॉइस फॉर इट, आई वोंट बी हैप्पी डूइंग इट। डोंट यू थिंक कि अगर आप रियल होकर के जाए तो वहां पे जीत सकते हैं थोड़ा मसाला मतलब। मैं तो रियली हूँ लेकिन बहुत बोरिंग हूँ। हाँ वही वही हाँ वही मतलब वो नहीं चलता अंदर शायद। हाँ, वहाँ पे मसाला, गॉसिप, फाइट एंड फाइट बैक, और मैं ऐसी हूँ नारायण नारायण, शांति शांति शांति। तो ज्यादा ही शांति हो जाएगी मेरे साथ। दिव्यांग अभी सीजन 2 का भी बहुत ट्रेंड चला है ठीक है, सो आपको पता है कि फैंस अभी भी इशिका रमन को लेकर कितना प्यार करते हैं, कुछ ना कुछ चीजें रहती है, तो आपको लगता है कि वापस देखने मिलेगा क्योंकि सीजन 2 अब सब आई है? मोहब्बतें सीजन 2 आई डाउट। एक तो ना इट्स अ मास्टरपीस, बन गया तो बन गया। वो किसी भी शो के पीछे ना एक किस्मत होती है, शो अपनी किस्मत लेकर आता है, किस्मत से लोग उसके साथ जुड़ते हैं, वो डायरेक्टर हो, क्रिएटिव हो या फिर एक्टर्स हो। एंड मोहब्बतें अपनी किस्मत लेकर आया था, उसके साथ जीरो एक्सपेक्टेशंस थी लोगों को, किसी ने भी नहीं सोचा था कि रात के 11 बजे के स्लॉट में, जो कि पहले लाइफ ओके पे आने वाला था, वो शो अचानक स्टार प्लस पे शिफ्ट हो जाएगा रातों रात। और असल में ठंडी का मौसम था, विंटर्स थे, हम सोचते थे कि लोग तो जल्दी सो जाएंगे, पर लोगों ने रजाइयों में बैठ के स्टार प्लस पे हमारा शो रात के 11 बजे देखा है। एंड 1 महीने के अंदर हमें पता लगा कि ओ माय गॉड, इट्स रियली वर्किंग। सो इट वाज a history that has been created and I don't think कि we can recreate it। मुझे लगता है कुछ चीजों को बिना छेड़े छोड़ देना चाहिए। तो ज्यादा ओटीटी को एक्सप्लोर करते हुए देखेंगे अभी आप कह सकते हैं या उम्मीद कर सकते हैं? I would really love to। मैं इंतजार कर रही हूँ कि कोई बहुत कमाल के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आए मेरे सामने। मेरे अंदर का एक्टर तड़प रहा है अच्छे अच्छे कैरेक्टर करने के लिए। एंड आई एम वेटिंग। कई बार मैं बहुत अच्छा कॉन्टेंट देखती हूँ, स्पेशली इंटरनेशनल, एंड आई रियली विश कि कुछ अच्छा ऐसा हो, ऑफर आए। मैं कुछ ज्यादा ही खुल के बोलती हूँ, पर हाँ क्यों नहीं। मैं इंतजार कर रही हूँ, अगर कुछ आता है तो आई विल डेफिनेटली डू इट। कॉप टाइप का कैरेक्टर आपको लगता है कि फिल सूट जी सॉरी, कॉप टाइप का वाला, फिर से आपको लगता है कि ट्रेनिंग। आप उसको आप पुलिस वाला का कैरेक्टर मेरे कॉप टाइप? ओ आई बी वेरी गुड फॉर इट। मुझे ना वो एक बड़ा ही अच्छा सा प्लेजर मिलता है, मैं एनसीसी में रह चुकी हूँ। ओ सो एनसीसी में वो जो मार्च सुबह पास्ट, सुबह फिर उठ के हाँ, और फिर सही तरह से राइफल पकड़ना, सही तरह से सल्यूट मारना, जो यूनिफॉर्म है वो एकदम सही तरह यूनिफॉर्म से पहनना, मेड बी योर नेम प्लेट और योर बैज,
वो सही जगह पे आना, वो छोटी छोटी जो चीजें है ना, मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ क्योंकि वो मेरी परवरिश में है डिसिप्लिन जी, डिसिप्लिन भी. सो आई वुड रियली लाइक टू इम्प्लीमेंट इट ऑन स्क्रीन एज वेल. मैं चाहूंगी कि कभी ये मौका मिले कि मैं ऑन स्क्रीन भी कॉप प्ले करूं और जो बचपन में सीखा था वो सब कुछ पेश करूं लोगों के सामने. मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मेरी सिस्टर ने जब क्राइम पेट्रोल खत्म हो रहा था तो उसका जो लास्ट शॉट था उसमें मैंने एक सल्यूट मारा. सो मेरी सिस्टर ने उनके जो चाचा ससुर जी हैं, ससुर जी, वो क्योंकि आर्मी में रह चुके हैं तो उन्होंने एक कॉम्प्लीमेंट दिया कि इकलौती एक्टर दिखी है इंडस्ट्री में जिसने सही सल्यूट मारा है. लाइक ये वो चाइल्डिश डिलाइट होता है ना कि किसी ने नोटिस किया. कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें एक एक व्यक्ति भी बोल देना तो बड़ा आनंद आता है. सो वैसे ही हुआ मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे सल्यूट को सराहा. तो आपने जब ये सवाल पूछा है कॉप का कैरेक्टर, आई वुड रियली लव टू डू. मेकर्स को सुनना चाहिए चीज, ये मेकर्स तक जानी चाहिए बात, उनको सुनना चाहिए दिव्यांका इज ओके फॉर द लाइक, और अच्छा सुनो कोई कॉप का रोल मिले तो जरूर। सुनो देव के एक और अपने हिस्ट्री लोगों को देखी कि जो फैमिली दो थी, दो से तीन होते हुए बैक टू बैक दिखे, और खास करके बड़े ये हॉलीवुड हॉलीवुड बोलना सॉरी बॉलीवुड में टेलीविजन में, जैसे मोहित नकुल करीना, ठीक है देयर मेनी अदर्स, ठीक है। सो आप लोगों का क्या है, फैंस को मतलब कब देखने मिलेगा, लाइक ये फैमिली और कब एक्सटेंड होगी बड़ी। उन सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं. मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि मौका सही था कोविड के टाइम पे, दे ऑल प्लान्ड एंड टाइमली, क्योंकि उस समय काम भी कम था एंड दे डिड इट वेरी वेल फॉर देम. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स हु हैव कंसीव्ड एंड थैंकफुली दे हैव बेबी नाउ. आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम. बट व्हेन इट कम्स टू विवेक एंड मी, वी विल एक्चुअली लाइक टू टेक सम टाइम. हम शायद एक आध साल और लगाए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि बेबी से पहले कुछ चीजें करने के हमारे अरमान थे और अभी कोविड ने वो सारे हमारे अरमानों में पानी फेर दिया है. तो हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं इसीलिए कि वो अरमान थोड़े और पूरे हो जाए, देन वील डू दिस. दिवाली म्यूजिक एल्बम का कोई मतलब कुछ प्लान है आप और विवेक साथ में, ऐसे कुछ, क्योंकि अभी कपल्स कपल्स को लेकर के भी बहुत चल रहा है, और आप लोग तो माशाल्लाह हम शायद साथ में ना कपल्स के करें. शादी भी हो गई, सब चीज अच्छे चल रहा है, तो आप लोगों मिले म्यूजिक एल्बम में या कहीं शायद हम साथ में ना करें. और क्या। जैसे विवेक ने अभी एक म्यूजिक वीडियो किया था, वो तो खैर बहुत जल्दबाजी में ऐसे ऑफर आया और उन्होंने किया. बट हाँ, मे बी अगर कभी और कुछ ऐसा आता है बट तो देखेंगे जरूर। या व्हाई नॉट. इनफैक्ट आई वुड लाइक टू सिंग. मैंने सोचा एक दिन कि क्यों यार, मैं गा भी तो सकती हूँ, तो मे बी समडे यू मे फाइंड मी सिंगिंग, हु ओ नोज. ऐसा तीर छोड़ा है दूर का, आपने पकड़ लिया, होगा कि नहीं पता वेरी नहीं. गुड, बहुत अच्छा रहेगा फैंस के लिए, ब्रेकिंग है। अच्छा नहीं मतलब ये ब्रेकिंग है ये फैंस के लिए कि जल्दी देखेंगे आपको गाते, बुक्स या तो लॉयर के पास देखने मिलती है या तो सीए के पास, हाँ ये जो जी आपके पीछे बुक्स है, ये जो पीछे बुक्स है आपके इतने, हाँ या हाँ तो जी किसी लॉयर के पास देखने मिलती है इतनी बुक्स, या तो कोई सीए, या तो फिर कोई आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज। हाँ आपको थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप, या फिर किसी लेखक और पोएट के पास भी मिल सकती हैं या आपको. ऐसा। अच्छा हाँ ये कनेक्ट हो गया अभी मुझे। तो ये हमारी जो किताबें हैं, इतना सारा हमारे पास कलेक्शन है. ये देखिए, कुछ तो इनमें से फैंस ने हमें गिफ्ट किए हैं. फिर काफ़ी सारी मेरी किताबें हैं जो कि मैं कई काफ़ी समय से मैं इकट्ठी करती रही. काफ़ी बड़ा कलेक्शन इनफैक्ट मेरा भोपाल में भी है, पापा के पास में. सो मैंने इसमें सेग्रीगेट किया है, जैसे ऊपर की तरफ इस इधर पे हिंदी बुक्स हैं, ओ फिर ये जो है ये सारी लाइफस्टाइल रिलेटेड है, ये सारे इंग्लिश फीमेल ऑथर्स हैं.
काफी सारे यहाँ पे मेरे पास सीरीज भी हैं अलग अलग, लाइक शर्लॉक होम्स की सीरीज है, फिर अमीश त्रिपाठी जी की ट्रिलोजी, शिवाज ट्रिलोजी, तो ऐसे बहुत सारी किताबें सीरीज में, चेतन भगत जी की बहुत सारी किताबें हैं. सो यप, आई हैव गॉट अ ह्यूज कलेक्शन एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ इट. विव और मैं, हम दोनों जब भी किताबें मिलती हैं हम सबसे ज्यादा खुश होते हैं. मैं एक बार आया था घर पे, तो मैंने थोड़ा सा एंट्री किया था ड्यू टू कोविड, बट थोड़ा सा जितना भी देखा था मैंने, बहुत लगा था कि यानी बहुत अच्छे से आपने अपने घर को सजाया है एंट्री में, देखा दैट सा ट्रॉफी वाला पार्ट आपने स्टार्टिंग में, राइट ये तो बहुत, तो बहुत राइट